इसमें कोई धूल मिट्टी ना गिरे, इस तरह बांध के अब इसे हम धूप में रखेंगे। ये सूखने में टाइम लगता है, 3 से 4 दिन लग जाता है अगर धूप अच्छी हो तो। बीच बीच में इसे खोल के चलाएं और 3 से 4 दिन तक इसे सुखा लें, या फिर जब तक ये अच्छी तरह से सूख ना जाए तब तक इसे धूप में सुखाएं। 1 दिन की धूप में देखिए कुछ इस तरह का हो चुका है, इसमें पूरा गुड़ का रस बन चुका है। अब इसे हम इस तरह एक बड़े बर्तन में या फिर ट्रे में, प्लेट में, किसी में भी इस तरह फैलाकर इसे सुखाएं ताकि ये जल्दी से सूख के तैयार हो जाए। 4 दिन की धूप में हमारा बैर का अचार अच्छी तरह से सूख चुका है। इसे बहुत ज़्यादा भी ना सुखाएं तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाना चाहिए। अब इसे हम एक एयर टाइट जार में डाल के रखेंगे। हमारा चटपटा चट्टाकेदार बैर का अचार रेडी है।